Hello, welcome student to Technology. Myself Ajit Kumar. Today we'll see your electronic class 12 का electronics paper 1 का question paper और उसका solution देखेंगे. ठीक है, कैसा question paper का format आता है class 12 में HSC महाराष्ट्र बोर्ड का, और 24 में कैसा आने वाला है आपका ये साल, वो एक आपको estimation मिल जाएगा इससे. ठीक है, so let's start. Right? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 1 50 मार्क्स का पेपर है. ओके, यहाँ पे देखो सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम फॉलोइंग क्वेश्चंस. और ये देखो रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, बेसिकली इसका आंसर ये 4 मार्क्स का है, देखो 1-1 मार्क्स ईच. ओके, इसका आंसर 1.21 है. ठीक है, फिर इन एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर द टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड डैश. ओके, दैट इज वॉट एलवीडीटी में सीरीज ऑपोजिट. ओके, ये इसका आंसर ये है. उसके बाद इफ एनी वन नोड फेल्स द एंटायर नेटवर्क फेल्स इन डैश टोपोलॉजी. ओके, रिंग टोपोलॉजी, क्यों सब एक साथ में गोल गोल कनेक्टेड रहते हैं, एक फेल हुआ तो सारा चीज फेल. ठीक है, आफ्टर दैट इन मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC555 द आउटपुट ऑफ IC स्विचेस फ्रॉम हाई टू लो इफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज डैश, इसका आंसर ग्रेटर देन 2/3 VCC. ठीक है, सो ये हुआ. फिर बाद में आंसर द एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तीन तीन मार्क्स के लिए. सो राइट द एडवांटेज ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर ओवर फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, ये तीन मार्क्स के लिए 6 पॉइंट्स लिखो, इनफ है. फिर एक्सप्लेन ओपैम एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग सर्किट डायग्राम. Derive an expression to get output voltage. तो एक expression लिखना है, op-amp को explain करना है, inverting amplifier use करके जो है, और उसका circuit diagram. ठीक है, circuit diagram को 1 marks, उसके बारे में लिखोगे 1 marks, और expression लिखो करोगे आप, derive करोगे expression, उसके लिए 1 marks. ठीक है, और एक question पूछा है जो कि numericals है, अगर पहला दो theory आपको आ रहे तो well and good है, cover up हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ DMM डिजिटल मल्टीमीटर ओवर एनालॉग मल्टीमीटर. एकदम इजी है, 5 पॉइंट्स लिखो या 6 पॉइंट्स लिखो, मोर देन इनफ है. फिर फाइंड IZ IL एंड RS इन गिवन जीनर रेगुलेटर सर्किट. ये डायग्राम दिया हुआ है, इसका आपको कैलकुलेशन करके निकालना है करंट. फिर ड्रॉप पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IC741, राइट एनी 4 स्पेसिफिकेशंस ऑफ IC741. पिन डायग्राम बनाओ 1 मार्क के लिए, पिन कॉन्फ़िगरेशन IC741 का. फिर उसके 4 स्पेसिफिकेशन लिखो 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के 4 पॉइंट, और ये पिन डायग्राम, बस हो गया आपका 3 मार्क्स. ओके, अभी इसमें एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मार्क्स के लिए. ठीक है, तो एक्सप्लेन ओपैम एज सब्ट्रैक्टर यूजिंग सर्किट डायग्राम. तो ओपैम एज सब्ट्रैक्टर आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, फिर उसका एक्सप्रेशन लिखना है आपको, डिराइव करना है. फिर डिफाइन मॉड्यूलेशन 1 मार्क के लिए, फिर नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन, तो 6 पॉइंट्स लिखो, और ये मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन लिखो 1 मार्क के लिए. ठीक है, क्यों चाहिए मॉड्यूलेशन, एकदम ईजी है. ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के लिए, और ये मॉड्यूलेशन ये आपका 1 मार्क के लिए, हो गया 4 मार्क्स. ठीक है, उसके बाद अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम. एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग इन CRT. CRT का जैसे मैं बोल रहा था इंपॉर्टेंट है करके, देखो यहाँ पे डायग्राम आया हुआ है. फिर RC फिल्टर विद डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है. ओके, राइट इट्स एडवांटेजेस, 2 एडवांटेज लिखो, एक्सप्लेन करो RC फिल्टर 2 पॉइंट्स में, एक डायग्राम बनाओ, हो गया 3 मार्क्स. ठीक है, एनी टू बोला है तो स्टार्टिंग के 2 थियरी है, देखो हो गया आपका. फिर फाइंड आउट वोल्टेज, ये वाला डायग्राम दिया हुआ है 3 मार्क्स के लिए, अगर वो 2 थियरी में से आपको नहीं जम रहा है तो ये कर सकते हो आप लोग. फिर अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ LVDT एज अ ट्रांसड्यूसर, ड्रॉ नीट डायग्राम, 4 मार्क्स के लिए. ठीक है, तो LVDT का मैं जैसे कि बताया रहता हूँ आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ ट्रांसड्यूसर आपका उसका वर्किंग लिखना है, फिर डायग्राम बनाना है. फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, दैट इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ FM, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, 4 मार्क के लिए. ठीक है, मतलब कितने पॉइंट्स आएंगे, 2 मार्क्स के लिए, तो 4-4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे आपको, 8 पॉइंट्स. ठीक है, 4 मार्क के लिए.
फिर एनी टू ऑफ दिस व्हाट टाइम बेस्ड जनरेटर विद सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाओ, टाइम बेस्ड जनरेटर एक्सप्लेन करो, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर सप्लाई, कोई भी छह पॉइंट्स दो, छह कैरेक्टरिस्टिक्स दो पावर सप्लाई के, ठीक है। फिर एक्सप्लेन ओपैम एज जीरो रेफरेंस कंपैरेटर फॉर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एप्लीकेशंस, ओके, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एप्लीकेशंस। सो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, अगर पहला दो नहीं जम रहा है तो। फिर अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम, डायरेक्ट ओपैम का ब्लॉक डायग्राम बोला है, ब्लॉक डायग्राम बनाओ, फिर एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का फंक्शन एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन द यूज ऑफ सैटेलाइट एज अ रिले स्टेशन, कोई भी एक करना है, मेरे हिसाब से ये वाला आप लोग को ईजी जाना चाहिए, पहला वाला क्वेश्चन ईजी है, फंक्शन बताना है बस। फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये भी ईजी है, थियोरिटिकल है, सैटेलाइट के बारे में है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताओ, फिर सैटेलाइट एज अ रिले स्टेशन एक्सप्लेन करो यूज उसका, फोर मार्क्स, ठीक है। फिर अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ कैथोड रे ट्यूब एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड, एकदम स्टार्टिंग दो तीन सेकेंड या थर्ड पेज में आपके टेक्स्ट बुक में है डायग्राम है बड़ा सा मस्त, वो प्रैक्टिस करते रहो, मैं जैसे कि बताते रहता हूँ आपको, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ही है टेक्स्ट बुक के, कैथोड रे ट्यूब का वो करो अच्छे से, उसमें से सब प्रॉपर लेबलिंग करो तो आपको मिल जाएंगे मार्क्स, और उसके इलेक्ट्रोड के फंक्शन बताओ। एक्सप्लेन थ्री टर्मिनल फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर, राइट इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस लिखो। एक्सप्लेन लैन मैन वैन, एकदम इजी, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिशन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, एकदम इजी है क्वेश्चन, कोई भी दो करो। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अभी ये कौन सा एक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है, डिफाइन एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ये भी कॉन्सेप्ट इजी है, डायग्राम है, एक अच्छा सा डायग्राम बनाओ एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन द यूज ऑफ ओपैम एज ए वोल्टेज फॉलोअर और साइन चेंजर विद सर्किट डायग्राम, मैं तो बोलता हूँ एक्टिव ट्रांसड्यूसर का भी कर लिया आप लोगों ने तो भी वो वेल एंड गुड होता है, ठीक है, पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड, मतलब ये पर्टिकुलर एक अच्छा सा डायग्राम है और इजी सा डायग्राम है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है आपको बस, तो पहला वाला ही इनफ है, सेकेंड वाले में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, फिफ्थ ए, राइट, अभी कैसा है, ये पांच आपने कर लिए ए बी, एक तो ये पांच करो, ये पांचवे का तीन और एक करो, मतलब दो और एक क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर ये वाले पांचवे का करो, ठीक है, ये वाला भी करना है ऐसा नहीं है, बिकॉज और है यहाँ पे, देखो यही है क्वेश्चन का एक अच्छा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इन्होंने और दे दिया है ए बी का, और ऊपर वाला ए बी या नीचे वाला ए बी, कोई भी ए बी करो, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला ए करोगे और लास्ट वाला सेकेंड वाले फिफ्थ का बी करोगे, ऐसा भी नहीं चलेगा, जो भी है एक तो ऊपर का ए बी करो या नीचे का ए बी करो, दोनों ऐसा, ठीक है। तो एक्सप्लेन द यूज ऑफ सी आर ओ फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए सी एंड डी सी वोल्टेजेस, ठीक है। फिर राइट एनी सिक्स आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम, ठीक है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं। फिर ड्रॉ द इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईसी 555, एकदम ईजी, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, उसका वर्किंग एक्सप्लेन करना, एकदम ईजी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं आपको, फ्रीक्वेंसी डिविएशन, सेंटर फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, गार्ड बैंड्स, ठीक है, ये चार है, ओके, एक एक मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है आपको, नहीं तो एक्सप्लेन करना है, ड्रॉ करना है डायग्राम ऑफ ए ट्रांसिस्टराइज्ड सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर और उसका वर्किंग एक्सप्लेन करना है आप लोग को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो ये अंदाज आ जाएगा आपको इससे कैसा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, पांच क्वेश्चन आते हैं सब में, सॉरी चार मार्क का छह मार्क का, चार मार्क का छह मार्क का, चार मार्क का छह मार्क का, ऐसे ही पैटर्न रहता है। पहला वाला क्वेश्चन सिर्फ एक एक मार्क का, फोर मार्क्स का आपको एमसीक्यू रहता है, फिर उसी में तीन तीन मार्क्स के तीन क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से दो करना है, हो गया दस मार्क, फिर दूसरे से एमसीक्यू नहीं रहेगा, डायरेक्ट फोर मार्क्स, सॉरी थ्री थ्री मार्क्स के तीन क्वेश्चन, उसमें से दो करना है, नहीं तो फोर मार्क्स वाले एक एक थियरी करने हैं, एक कोई भी एक, उसमें डायग्राम रहेगा या न्यूमेरिकल रहेगा जैसा भी, ठीक है, ऐसे पांच क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर, सो इसका आंसर मैंने बताया है, इसमें चार एमसीक्यूज बता दिए थे मैंने आंसर्स, ठीक है अभी, और चलिए तो इसमें आप लोग देख लो, ये जरा सा इसमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स, ये सब के थोड़े शॉर्ट में आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो, नहीं तो अगर ये आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए इसका पूरा, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है,
तो मुझे कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, आपको इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो डीप में, ठीक है, विल चेक इट आउट। ओके, टेक्स्ट बुक में जब भी अपन रिविजन करेंगे तो ये वाला चैप्टर अपन गो थ्रू करेंगे, नहीं तो ठीक है। सो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका, ठीक है। सो लेटर ऑन विल स्विच टू अनदर वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर टू, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, एंड डेफिनेटली और क्या, शेयर करो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।